सब्सक्राइब करें टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको जानकारी देने वाला हूं OIN डॉट फाइनेंस का जो कॉइन था OIN जो डिफाई कॉइन है उसके बारे में। जी हाँ, काफी इसका हाइप क्रिएट हो चुका और आज है 31 अगस्त, तो आज शाम को ठीक 5:30 बजे से इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। सेल क्या, ये समझ लीजिए लॉटरी सिस्टम है, जिसका नंबर लगेगा उसी को मिलेगा। तो क्या सिस्टम है, क्या डिटेल है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ साथ मेरे ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको फ्री क्रिप्टोकरेंसी के सिग्नल और ट्रेडिंग ट्यूटोरियल साथ में आपको चार्ट एनालिसिस भी साथ के साथ दी जाती रहती है। तो चलिए मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ OIN.Finance की वेबसाइट पर। तो आप ये देख सकते हैं इनकी वेबसाइट है https.OIN.Finance। तो ये सीधी वेबसाइट है दोस्तों, अभी इसके अंदर कुछ भी आपको अपडेट दिखाई नहीं दे रही होगी, देखिए सिंपल। तो इसके आप यहाँ पर टेलीग्राम से जाके इसकी कुछ सारी डिटेल आप देख सकते हैं। मैं सिंपली टेलीग्राम को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दिखाइए, इन्होंने भी एक पिन मैसेज किया हुआ है, 10,000 मेंबर्स इनके ग्रुप में 10,000 मेंबर्स हो चुके होंगे। तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेल से रिलेटेड जो लिंक है मीडियम का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है, हम इस लिंक पर चलते हैं। सिंपली ये मैंने देखिए ओपन किया हुआ है, ये रहा, देखिए medium.com का इनका कल ही इन्होंने पोस्ट पब्लिश की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक सक्सेसफुल KYC रजिस्टेंट यूजर को ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बाकी इन कंट्री कनाडा, यूएसए, चाइना और एनी कंट्री सैंक्शन बाय द UN, इनको मौका नहीं मिलेगा, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और अगस्त 31 यानी कि आज के दिन SGT सिंगापुर का जो टाइम है, इसके हिसाब से इंडियन टाइम करीब करीब 5:30 बजे होता। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए सिंगापुर स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8 बजे के हिसाब से यहाँ पे इंडिया में 5:30 बजते हैं। तो 5:30 से 6 बजे तक का इनकी जो लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी चलेगी, ऑप्शन चलेगी, जो भी सेल चलने वाली है। तो और देखिए, और ये आपको सिर्फ इनकी ऑफिशियल इंग्लिश टेलीग्राम ग्रुप इसके अंदर ही, देखिए यहाँ पर इसका लिंक भी दिया गया है, आप इसको, इस पेज का भी लिंक मैं अपने ग्रुप में दे दूंगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनका जो टेलीग्राम का लिंक देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सिंपल यही है। इसमें OIN_finance_english, इस पर ही आपको इसका शाम को KYC से रिलेटेड या फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड आपको डिटेल दी जाएगी। और ये 1 घंटे पहले अपने ग्रुप को म्यूट कर देंगे ताकि कोई उसके अंदर कोई कमेंट या जो भी हो, सब डिटेल नहीं हो पाएंगी। तो आप देख सकते हैं, और इसके बाद देखिए सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही इससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन विल बी पब्लिश, जो भी पब्लिक सेल रजिस्ट्रेशन विल बी पब्लिश रात 5:30 बजे इसी टेलीग्राम पे ही देखी जाएगी आपको। इस पे आपको ज्वाइन करके रखना है और कहीं नहीं मिलेगी आपको, कभी आप ढूंढते रहो इधर उधर। और वी विल म्यूट द टेलीग्राम ग्रुप 1 आवर अहेड ऑफ अनाउंसिंग द लिंक, 7 बजे ये मतलब 4:30 बजे ये अपने टेलीग्राम ग्रुप को अनम्यूट कर देंगे। अच्छा, ये गूगल फॉर्म का यूज करने वाले हैं पार्टी जो इसके अंदर रजिस्ट्रेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे नॉर्मल गूगल का फॉर्म होता था वैसे ही। इसके अंदर आपको ERC20 का वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा, अपना ईमेल आईडी चाहिए होगा जो रजिस्टर किया आपने, और साथ में आप जो भी डिटेल मांगी जाए वो इसके अंदर फिल करनी होगी, वो भी आपको शाम को या खुलने के बाद पता चलेगा। और वो आपको इस चैनल पर, इनके टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। और लॉटरी सिस्टम के थ्रू आपको ये मिलने वाली है। तो ये लॉटरी सिस्टम ने ही कबाड़ा कर दिया सब चीज़ों का असल, और बाकी इसमें तो वही सेम चीज़ है। हाँ, यहाँ पर देखिए 8 से 9 बजे तक के रजिस्ट्रेशन जो भी होंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, 15,000 रजिस्ट्रेशन सिर्फ लिए जाएंगे। और तो देखिए एनी रजिस्ट्रेशन आफ्टर 9 यानी कि 5:30 बजे के बाद और या 15,000 कंप्लीट होने के बाद इसमें कोई रजिस्ट्रेशन वो इनवैलिड हो जाएंगे सभी, चाहे 15,000 पहले हो जाए चाहे टाइम पहले हो जाए। अच्छा, अब ये देखिए रात को, ये तो सिंगापुर का टाइम है, 5:30 बजे यहाँ पर जो दिया गया है, 5:30 बजे he will estimate and announce the winning block heights of the Ethereum network at around 22, यानी कि करीब करीब ये शाम को 6:30, 7:30, 8:30 के आसपास का टाइम होगा, ये 8:30 या 8 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो सिंपल सा ये फंडा क्रोनिकल ऑर्डर में लॉटरी सिस्टम, अगर आपका लॉटरी नंबर आ जाता है तो आपको ईमेल आ जाएगा, आपको मैसेज के थ्रू कन्वे कर दिया जाएगा, और साथ में द लिस्ट ऑफ 320 फाइनल विनर्स विल बी अनाउंस एट ये 23 यानी कि 23 को भी हम देख लेते हैं कितने बजते हैं 23 बजे, एक बार थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, यही होगा। हाँ, तो रात को 8:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से
ये GitHub पर इसका अनाउंसमेंट होगा। हाँ देखिए ये लिखा हुआ ना GitHub पर, आप यहाँ पर इसको भी इस लिंक से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। द विनर्स मस्ट सेंड देयर केवाईसी इन्फॉर्मेशन विद इन 12 आवर्स ऑफ द अनाउंसमेंट। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है टेलीग्राम पर आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपना केवाईसी भी कर लीजिएगा। अभी कोई भी उसके अंदर लिंक ओपन नहीं है, तो ये आपको दोनों मौके एक साथ मिल जाएंगे। और एन एग्जाम्पल सबमिशन विल बी शोन ऑन द अनाउंसमेंट पेज, और इसका एग्जाम्पल भी आपको अनाउंसमेंट पेज पे शो होने लग जाएगा। जो टेलीग्राम का अनाउंसमेंट पेज है यहाँ पर आपको ये शो होने लग जाएगा। यहाँ पर आपको शायद ये पिन करके दे देंगे तो, और साथ में ये आपको यहाँ पर म्यूट कर देंगे, शायद आप उसके बाद कोई मैसेजेस वैसेजेस नहीं कर पाओगे। और अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखिए वी मे टेक अंटिल थर्सडे 8 AM सिंगापुरियन टाइम विच September 3rd टू कम्प्लीट द KYC वेरिफिकेशन। तो यानी कि आपके पास 3 तारीख तक का टाइम होगा KYC को कम्प्लीट करने के लिए। यानी कि 1 तारीख को जब आज से जब ये स्टार्ट होगा तो 3 तारीख आपके पास 4 दिन का वक्त रहेगा आज तक का मिला के, तो अपने KYC जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। द विनर्स देन हैव 12 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द ईमेल टू सेंड 600 USDT ERC20 यूजिंग द सेम वैलिड एड्रेस गिवन इन द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर क्या, द विनर्स देन हैव 12 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द ईमेल टू सेंड, ईमेल सेंड करने के 12 घंटे तक का उनके पास टाइम होगा 600 USDT ERC20 वाला जो है उसे सेम एड्रेस में भेजने के लिए। अच्छा अब आगे चलते हैं, द फॉर्म रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन विल बी अपलोडेड टू GitHub आफ्टर रिडेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो GitHub पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो ऐसा आपको लिंक दिया गया रिक्वायर्ड, देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल एड्रेस, ERC20 वॉलेट एड्रेस, ये तो कंपलसरी है। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो जो 4 कंट्री बताए थे वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बाकी हम तो खैर कर ही सकते हैं। इंडियन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर KYC रिक्वायर्ड फॉर द 3320 पार्टिसिपेंट दैट विल परचेज ON, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द KYC प्रोसेस। नाम, बर्थ डेट, गवर्नमेंट ID, कोई भी आधार पहचान पत्र लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, रेजिडेंशियल एड्रेस में बिजली का बिल, पानी का बिल लगा सकते हो, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपके आधार से ये पता चल जाएगा। और योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल लीक नहीं करी जाएगी, बस यही है। और काफ़ी अच्छा इसका वो काफ़ी ज़बरदस्त हाइप चल रही है, बाकी इसके सारे लिंक यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से इनके थ्रू भी देख सकते हैं। GitHub का भी है, टेलीग्राम का, ट्विटर, मीडियम और इसका होम वेबसाइट का, और ईमेल आईडी सब कुछ का आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ही आपको इसका लिंक मिलेगा, वहीं से जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, KYC करनी है, सारी डिटेल करनी है आपको। और जो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 3 दिन का टाइम रहेगा अपना KYC कंप्लीट करने का, उसके बाद आपके पास ईमेल भी आएगी, ईमेल आने के बाद आपको 12 घंटे का वक्त दे दिया जाएगा 600 USDT के लिए ERC20 वॉलेट एड्रेस में। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, इसको आप ठीक से समझ लीजिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप मुझसे अगेन पूछेंगे क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, तो इसलिए आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, कोई क्वेरी रह जाए तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पेज को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं इस तरह के अपडेट आपको कंटिन्यू देता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।